तो देखिए, इंडिया में वेडिंग्स बहुत बड़ा मार्केट है। वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट सेक्टर्स में से आता है वेडिंग का मार्केट, एंड इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट, राइट? 1 करोड़ शादियां हम कराते हैं एनुअली, एवरी एक साल में 1 करोड़ शादियां कराते हैं, और इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स हम 25 करोड़ शादियां देख रहे हैं। तो इंडिया, मेरे को लगता है कि ऑफकोर्स फॉरेन, यू नो, फॉरेन टूरिस्ट भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट अगर हम अपना ही डिमांड अगर हम मीट कर ले, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनाफ। सो वी आर वेरी वेरी, तो हमारे जितने भी डेस्टिनेशंस हैं आज के डेट में, आप बीचेस बोल लो, माउंटेन्स बोल लो, आप रॉयल पैलेसेस बोल लो, हमें और क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत प्रेशर पड़ रहा है इन जगहों पे। सो वी नीड मोर डेस्टिनेशंस टू केटर टू दीज 25 करोड़ वेडिंग्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून। डेफिनेटली, मैं अभी बात कर रही थी दीक्षा, जो एंकर है, उनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने मेरे को बताया कि ये भी वेडिंग डेस्टिनेशन के, यू नो, उभर के आ रहा है, एंड यू नो, मैंने देखा नहीं है, बट आई एम श्योर वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेवलप्ड एंड यू नो मोर होटल्स कम, क्राउड भी आने लगेगा। इट्स जस्ट अबाउट मार्केटिंग, थोड़ा सा एक दो सेलिब्रिटी शादियां यहाँ हो गई तो बस, फिर आप देखो कैसे लोग आते हैं शादी करने। डेफिनेटली डेफिनेटली, हम इतनी वेडिंग्स कराते हैं, और मैं आई एम अ वेरी वो एम्बेसडर फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, तो मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप होम सिटी में ना करो, आप कहीं जाके करो, क्योंकि एक्सपीरियंस 10x बेटर होता है आप जब कहीं जाके शादी करते हो। तो अगर आप दिल्ली के हो, तो आप उड़ीसा जाओ, राजस्थान जाओ, यू नो, गो टू दी स्मॉलर प्लेसेस एंड डू योर वेडिंग देयर। उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, आप लोकल फ्लेवर्स, लोकल आर्टिस्ट, उनसे आप इंगेज कर सकते हो, तो उससे, एंड गेस्ट याद रखते हैं सबसे बड़ी बात। फ्रॉम टैक्सीज टू फ्लोरिस्ट टू साफा जो बनाते हैं, बैंड बजा जो ढोल बजाते हैं, सबका बूस्ट होता है, सबका इनकम बढ़ता है। वेडिंग इज़ अ 4 लाख करोड़ बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।